उसको कहते हैं दैविक आपदा। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, लकवा मार जाता है, समझ रहे हैं, कालरा हो जाता है, ऐसा पेट में दर्द होता है, अस्पताल जाते जाते समाप्त हो जाता है, सब काट देता है, आदित्य दैविक आपदा, ठीक है। लेकिन बचता कौन है? आज से की पुराण में लिखा है कि बचे वही बचना तू एक प्राणी, एक वही बचता है। मोबाइल वाले से चाप कर रहे हैं, सुदर्शन जी महाराज, शंकर भगवान का चश्मा उतार के थोड़ा क्या भक्ति खुले उतार दिए। देखिए दिव्यात्माएं कितनी सोच हो गई है, देखने वाले लोग बोलते हैं कितनी बड़ी संख्या है, और यह जान लीजिए कैसे चलता है कि उन्हीं की बसत होता है, उन्हीं के कृपा से चलता है, नहीं तो एक समय चलना नहीं चलता। सारी संस्थाएं में हम गए हैं, लैट्रिन का पैसा दीजिए, जूता का पैसा दीजिए, यहाँ ये पैसा दीजिए, वहां पैसा दीजिए, यहाँ कोई पैसा नहीं मांगता है, जो मांगता हूँ हमसे बताइएगा, बता दीजिएगा, तो उसको हम ये करेंगे, अपने मर्जी से जुटे थे। हाँ सही बात, बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं कि घर में महीने हफ्ते में चार बार मांस बनते हैं, मांस मांस कौन खाता है, राक्षस, और जुबान खाती है, लेकिन जब भोगना पड़ता है तो बीमारी बनकर, बीमारी बनकर जब प्रकट होता है तो तड़पता है, नहीं तड़पता है। और एक घर में 3000 महीने का मांस बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां आएगा तो 300 रुपया धर्म सभा में नहीं देगा। कितने लोग आते नहीं है, मेरे गुरु जी के यहाँ नहीं जाएंगे, कहा नहीं जाएंगे, हमारा सरवा छोड़ा कर देता, चल चलते चल रहा है, चलो कहा नहीं चलते, अतः हमारा अंश खाए छोड़ा दिया। तो एक भेनुगुल का नाती था, बोला गुरु जी आना चाहना है, मीट खाए थोड़ा छोड़ो, देखते आत्माए। मेरे कहने का केवल तात्पर्य है कि सर्वप्रथम 9 दिन यहां रहना है तो क्या मांगना है आज सिखा दे रहे हैं। कभी भी दुख जाए इसकी मांग मत करिएगा, ठीक है, दुख जो काटेगा उसी को ना उसी का मांग करिएगा, समझ गए, दुख जो काटता है उसी की मांग करिएगा। संसार का कोई सुख टिकने वाला नहीं है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा चौथा आ जाएगा, लेकिन काटने वाला यदि साथ है ना तो हजार आवे चाहे हजार जाए कोई फर्क नहीं, कोई फर्क पड़ेगा हृदय से बोली पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि जैसे जैसे आपके अंतःकरण का पुकार और विश्वास निश्चल होगा वैसे ही कृपा दृष्टि बरसनी शुरू हो जाएगी। सीखिए सीखिए, आज प्रथम दिन है बता रहा हूं, यह क्या है, शरीर है लेकिन एक बर्तन है, क्या है बर्तन, कौन बनाया, भगवान ने, मां ने, हैं, वस्त्र है, हैं, कोई कपड़ा आप पहनते हैं जब गंदा हो जाता है तो उसको साफ करना पड़ता है तो शुद्ध होता है, होता नहीं होता है, एक घर होता है रोज झाड़ू बहारू करना पड़ता है कि नहीं, खाना खाते हैं आप, भोजन करते हैं तो
कपड़ा आपको साफ करना पड़ता है, बोलिए। यह माया में ये शरीर रहते रहते खराब हो जाती है, इसको भी साफ करना पड़ता है सुबह और तब लायक रहेगा, नहीं तो नालायक हो जाएगा। जूठे बर्तन में यदि खाना खाएं तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं? कितना महंगा दूध खरीद कर लाए और खराब बर्तन में रखे तो दूध फटेगा कि नहीं? अमृत है लेकिन उसको भी ला करके जहर में मिला दें तो उसका भी गुणवत्ता रहेगा क्या? रहेगा। मोबाइल कितना महंगी हो लेकिन वह चार्ज न हो तो उससे बात हो सकती है क्या? आप लोग क्या बोलते हैं? यदि हम आपने दुख किया तो हमने कब ऐसे आते हैं गुरु जी दो दिन आवत होगा दो बेर आवत होगा तीसरे बेर जल यानी गेम डाले हैं। जिस तरह से बर्तन को जब जब खाते हैं धोना पड़ता है गिनते नहीं है, बैठक में जब जब जाते हैं हाथ भी धोते हैं साबुन से नहीं धोते हैं राख मिट्टी से जब नहीं धोते कि सोचते हैं कि सुबह के बैठक में गए थे धोए नहीं तो शाम को कौन धोने जाए सोचते हैं? यदि नहीं धोएंगे तो बदबू करेगा ही नहीं करेगा। उसी तरह से सदगुरु का दिया हुआ मंत्र और भजन यदि सुबह और शाम नहीं करेंगे तो इस शरीर से बदबू निकलेगा, क्रोध का, पाप का, अत्याचार का, दाह का, चुगली का, लालच का, वासना का जरूर निकलेगा, ठीक है। और सुबह और शाम जब सतगुरु के दिव्य मंत्र का भजन और मनन करेंगे न बैठ कर करें मात्र अगरबत्ती जला दें उसके बाद चलते हुए करें सोते हुए करें तो भी आपके शरीर के अंदर वह शक्ति वह तेज वह धैर्य वह आभा वह कीर्ति पाने की शक्ति मौजूद रहेगी। कपड़ा वही रहता है लेकिन जब गंदा हो जाता है तो इसको कोई पहनना पसंद नहीं करता, करता है नहीं। और जब वही धो जाता है फ्रेश हो जाता है तो दस लोगों के बीच में बैठे सम्मान सहित है कि नहीं, समझ रहे? दिव्य आत्माएं सतगुरु का रहना एक पाठशाला उसमें सीखना। हम तो ये देखते हैं कि यहां तक तो अच्छे अच्छे लोग धर्म का क्या करते हैं उल्लंघन करते हैं और अन्नदाता को जाकर बोलो ये खाना दो उतना दो धाओ लो करो। ये क्या हुआ? ये रावणी हुकुम है कि देवता का है? अब बताएंगे है ना महाराज? एक कहा गया है कि यदि भगवान का भोग बिना लगाए कोई भोजन करता है तो अब पाप को खाता है अन्न नहीं खाता अन्नपूर्णा नहीं होता। और जब भोग लगा दिया जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है, वह क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। भगवान का छोड़ा हुआ खाया तो प्रसाद बना कि नहीं बना? समझे नहीं समझे? और तो गणेश भगवान और दिव्यानंद की टीम सफाई रखती है। आप लोग गंदगी करते हैं तो लोग सफाई करते हैं, इतना सफाई रहता है भोजनालय में कि चला जाए तो जीव भगवान अब तो भोजनालय स्वर्ग जैसा होगा। और हमारे कुछ लोग नाम तो हमें भी पता नहीं है भेज देंगे अपने चंचा को जोड़े दिव्य दो रोटी लेकर आओ।